एक साल के अंदर 3 सर्विस करनी पड़ती हमारी बाइक की, एक भी सर्विस नहीं की भाई। न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। अभी जस्ट हम आए KTM के शोरूम पे अपनी बाइक सर्विसिंग कराने के लिए। 1 ईयर ओल्ड बाइक थी, ऑलरेडी 1 ईयर हो चुका है हमारी बाइक का और फर्स्ट सर्विसिंग हो रही है और सर्विसिंग अंडर हो रही है। हमको अलाउड नहीं है अंदर जाने का और वीडियो करने का और देखना के भी अलाउड नहीं है। तो देखने दो यार क्या हो रहा है, लोग तो देखते क्या सीन बनता है अभी यहाँ पे। और मेरे को बहुत ही बुरी बात लगी शोरूम की कि हमको अंदर देखने के लिए नहीं जाने थे और यहाँ पे पानी का नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, खाली सीधा के यहाँ पे बैठे गए। पानी तो भाई उतना चाहिए ना। तो देखते हैं भाई, तो देखते हैं भाई ये बाइक लेते हैं या ये बाइक लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वाली लेनी चाहिए 125cc की RC BS6 मॉडल, बताना कमेंट करने की बारी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दिस इज माई बाइक, सर्विसिंग हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ है अंदर। अंदर हमको जाने दिया तो क्या करे भाई, हमको वीडियो भी नहीं शूट करने दिया। फटाफट निकलते हैं यहाँ से, फिर हमको जाना है सुपर बाइक के शोरूम के, बहुत ही मस्त मस्त वीडियो आने वाले हैं तो स्टे ट्यून्ड। और देखते भाई ये शोरूम सामने बजट का शोरूम है, जस्ट आप देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक सर्विसिंग हो चुकी है, ऑयल चेंज हो चुका है, बाइक बहुत ही गंदी है, हवा कम थी दोनों टायर के अंदर, वो भी उसने फुल कराया। अभी वॉशिंग की बाकी है तो वॉशिंग हो जाएगी फिर निकलेंगे हम लोग। तो लुक गंदी बहुत है गाइस, अब इग्नोर करना, अभी तो वॉशिंग होगी बाइक हमारी। चैन लीव भी हो चुका है, चैन लीव हो रहा है हमारी बाइक का मॉड्यूल का, तो अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हो लोग। तो फिलहाल तो थोड़ा समय लग रहा है हमको और यहाँ पे कोई बाइक आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जस्ट तो ये वाली खड़ी है और वो वाली खड़ी है। तो उनके अंदर दो ही बाइक है खाली भाई, एडवेंचर नहीं दिख रही है कोई, ये बाइक नहीं दिख रही है मेरे को। क्या शोरूम है भाई, बहुत ही घटिया शोरूम लगा मेरे को ये वाला, बहुत ही घटिया शोरूम है, सर्विसिंग तो भाई एक नंबर घटिया। एक ही बाइक खड़ी, ये वाली बस, और फालतू का टाइम पास हो रहा है मेरा। एडवेंचर भी खड़ी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं, ये कौन सी है, नहीं निकले ना, वो भी नहीं खड़ी है, तो ही बाइक नहीं बिकेगी। कोई बाइक लेने आएगा देखेगा तो सही ना, क्या देखेगा यहाँ पे, ये देखेगा स्टाइल देखेगा यहाँ पे। अभी देखते हैं भाई कब तक समय मिलता है, धूप बहुत ही ज़्यादा बाहर है, पानी के सौगर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, पंखा फैन वैन कुछ नहीं है। और बाइक देखो भाई बहुत ही चमकीली हो गई है, वॉश कम्प्लीट हो चुका है, चैन लीव हो चुका है, जस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैन लीव कम्प्लीट हो चुका है। फटाफट निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हम लोगों को। तो फाइनली हमारी बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, निकलते हैं फटाफट। अभी जस्ट कितने बज रहे होंगे, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, तो फटाफट निकलते गए, बहुत ही अभी सारी बातें घर पर जाके करेंगे हम लोग, कितना बिल बना है हमारा। 1 hour later तो गाइस अभी हम आए शोरूम पे सेकेंड बाइक के, सुपर बाइक मिलते हैं अवेलेबल है यहाँ पे, जस्ट जिक्सर सुजुकी कंपनी की है भाई, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, हायाबुसा नहीं दिख रही है, KTM 390 एक BMW की है 310cc का, ओ भाई साहब एडवेंचर BMW, जस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हेलमेट एक्सेसरी नहीं रखते, ये अपाची TVS की हार्ले, ये है BMW गाइस, बड़ा क्या साउंड है, स्टॉक एग्जॉस्ट अभी अंदर और मस्त लग रही है, एक बारी लुक देखो। अभी हमारे ड्रीम मशीन में अवेलेबल है सुपर बाइक, जितनी चाहिए इतनी सेकेंड हैंड बाइक है सारी सुपर बाइक। अभी जैसा BMW आपने देखी, मेरे फर्स्ट टाइम देखी थी BMW, और भाई क्या साउंड है उसका, अल्टीमेट मज़ा आ गया। अभी निकल पड़े यहाँ से हम लोग भाई, हम भी लेके भाई एक बाइक सुपर बाइक। अभी 2 बज रहे, खा लेते बराबर, दवाई सारूंगी छोड़ा हुआ है। तो ये है पंजाबी थाली, जस्ट इसमें एक और ये पनीर का है, दाल पापड़, और ये हमारा कुकर टाइम लैप में, तो ट्राई करते हैं कि बारी ख़त्म करने के बाद मिलते।
भाई लोग अभी हमने लंच हमारा खाना हो चुका है, निकलते बहुत ही हैवी डिश थी, पानी पी लेते हैं भाई लोग। ओके भाई लोग अभी जस्ता हमारा हुआ खाना बाना कंप्लीट, जस्ता बहुत हैवी डिश थी, मैं तो आधी भी नहीं खा पाया। तो अभी कुछ सीन ऐसा है, हमारा गोप्रो हो चुका है डाउन, तो अभी क्या होगा, अभी नंबर प्लेट डल रही है हमारी बाइक पे, तो डलवा रहे भाई, बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो फाइनली नंबर प्लेट एक वन साल के बाद कंप्लीट लग चुके, आगे भी लग चुकी है। अभी हम चलते सीधा घर पे गाइस, बहुत ही धूप है जैसा आप देख पा रहे हो, तो चलते हैं घर। तो भाई लोग लोकेशन देखो एक ही बारी, यहाँ पे फोटो ले गए हम लोग, बहुत ही मस्त लोकेशन है गाइस, जस्ट पूरा पैर 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 एकदम प्यारी प्यारी है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से फोटो लेंगे मस्त वाला। गाइस ओके ऑल राइट गाइस, अभी हमें घर पे और वीडियो एडिट कर रहा था, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तो फिर एंड का समय आया, जब वीडियो एंड होने का समय आया तो पार्टी शूट नहीं किया था मैंने कि एंड वाला, मतलब कि ये बिल वाला कितना बिल आया हमारा KTM का फर्स्ट सर्विस का और कितना टोटल खर्चा है। टोटल खर्चा हमारा आया है 2355, ये खर्चा है फर्स्ट सर्विस का हमारा, कुछ ज़रा नहीं है। हम देखते हैं क्या क्या इसमें ऐड किया है इन लोगों ने, इसमें चेंजेस क्या हुआ है। तो एक ऑयल चेंज हुआ है, एक फिल्टर चेंज हुआ है जो ऑयल के साथ में आता है, नीचे आता है ना छोटू सा। तो गाइस हमारी फ्री सर्विस नहीं थी, हमारी फ्री सर्विस खत्म हो चुकी थी, एक साल के अंदर सर्विस कराने के लिए हमको जाना पड़ता है, पर हम लोग नहीं गए थे, वो बहुत ही बड़ी गलती थी हमारी। तो अभी भुगत रहे, पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लिया नहीं? तो हम हमारी KTM सर्विस कराने के लिए जहाँ पे गए थे ना, उनका एटीट्यूड कुछ अलग ही था, कुछ शूट करने नहीं दिया हमको, अलाउड ही नहीं था कि नई वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि हम देख सकते हैं वहाँ पे, तो ये देखने के भी अलाउड नहीं है। मैंने बोला क्या कर सकते हैं, बाहर बैठो आपको अपनी बाइक सर्विस होते ही मिल जाएंगे। तो भाई मेरे को बहुत ही गलत सीन लगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्यों किया उन लोगों ने, कि हम वो लोग सर्विस करते हैं, हमको अच्छे अच्छे शॉट लेने थे, ऑयल खोलता है उसका शॉट लेना था, और कुछ सारा कुछ मिस कर चुके हैं हम। तो बिल्कुल घटिया शोरूम लगा मेरे को, हर शोरूम पे ऐसा नहीं होता है, मतलब कि दूसरे शोरूम पे शूट करने देते हैं, देखने देते हैं कि क्या करते हैं वो लोग, सब कुछ देखने देते हैं, पर यहाँ पे नहीं था, बहुत ही गलत सीन हुआ। तो गाइस आज वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मिलता हूं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को व्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना कमेंट करना, एक ही बारी लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।